गुरे गुरे को वेश अनेक, बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख बढ़ाई तोए रहाओ। जिसुए सतियां घड़ियां पैरां चित्ती वारी माओ हुआ, सूरज को रुत अनेक, नानक करते के तेरे। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु रूप सतसंग जीओ, सोहेले दी बाणी दा दूसरा एवाग ते दूसरा शब्द भी पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा है। गालबन अठ पंक्तियां दे पावन पवित्र वाक दे जिहड़ी मूल गल सतगुरु देव जी महाराज कह रहे ने होए कि समूह ब्रह्मंड की अनेकता का जो आधार है वो एक है। इस गल नूं सतगुरां ने करीबन करीबन हर पंक्ति दोहराया है कि जगत दे जिथे तक वेखांगे अनेकता ही अनेकता है। समाज दे तल ते, नीति दे तल ते, धर्म दे तल ते अनेकता है। पर महाराज कहिंदे ने इस अनेकता का आधार जो है वो एक है। ते प्रथम ये जिहड़ियां दो उपर दियां पंक्तियां ने साहिब इस दे इत्थे तक प्रमाण करदे ने कि जगत दे जिहड़े कुछ सिरमौर मनुख होए ने धार्मिक आचारिया, उन्हां दे भी विचार करीबन करीबन एक नहीं सी। छे घर, छे गुरु, छे उपदेश। जैसे वेदां तो बाद हिंदुस्तान दे जिहड़े धार्मिक ग्रंथ लिखे गए ते जिन्हां दा बहुत डूंघा असर हिंदुस्तानियां ते पिया, वो छे शास्त्र ने। पहला शास्त्र सांख, जिहदे रचेता सन कपिल मुनि, ते कपिल मुनि दा बहुत वड्डा प्रभाव भारतवासियां ते पिया। इस तों बाद गौतम ऋषि जी आए, उन्होंने न्याय शास्त्र लिखिया, उन्होंने कृत ते करते दा अनादि रूप मनिया, ते करते नूं सुगंतर भी ना मनिया। लेकिन गौतम ऋषि गौतम बुद्ध नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध दा जो ग्रंथ है वह धम्मपद है, वो इन्हां छे ऋषियां दे समार नहीं है। वो महात्मा बुद्ध अवतारी पुरुषां च गिणे जांदे ने। दूजा शास्त्र न्याय, इसका रचेता जो है गौतम ऋषि। तीसरा शास्त्र विशेषक, इसके रचेता सन ऋषि कणाद जी। ते इन्हां दे नां जिहड़ा कणाद पै गया, भोज पत्रां दे उत्ते जिहड़े इन्हां ने धर्म परमात्मा दे ते अपने अनुभव लिखे, उस लिखत दा नाम विशेषक पै गया। आप दा नां जो कणाद पिया, जंगल दे कण इतिहादक खा लैणे, शहरां ते कस्बियां दी तरफ कदी रुख नहीं कीता, और सिवाए तन दी इक लंगोटी तों अपने कोल होर कुछ रखिया भी ना।
भोज पत्थर जंगल विचों कट्ठे करके लियाने उन्हां नूं सुकाना ते उन्हां दे उत्ते धार्मिक अनुभव ओह लिखदे गए। बस ये इन्हां दा शौक भोज पत्रां दे उत्ते ओह जिहड़े वाक लिखे गए ओह तीजा शास्त्र सी जिहनूं विशेषक कहिंदे ने ते इहदे रचनहार सन ऋषि कणाद। चौथा शास्त्र योग ते इहदे रचेता सन पतंजलि जी ते भारतवासियां दे खास करके त्यागी लोग उदासी लोग उपराम ते दुखी लोग उन्हां दे उत्ते योग शास्त्र का बहुत वड्डा असर पिया ते जोगियां दा बकायदा एक बहुत वड्डा पंथ भारत विच विकसित होया। इस दी बुनियाद पतंजलि दे योग है। अगां चलिए फिर पंजवां शास्त्र है मीमांसा। इहदे रचेता ने जैमिनी ऋषि जो किसी हद तक व्यास दे चेले सन। छेवां शास्त्र है वेदांत। इसके रचेता स्वयं ऋषि व्यास जी ने ते वेदांत का सनातन मत दे उत्ते बहुत वड्डा प्रभाव पिया। योग मत पतंजलि तो चल पिया। तर्क ते कुतर्क की भावना का जन्म न्याय तो हो गया। कुछ भक्ति दियां लहरां चलियां ओ ऋषि कणाद तो प्रभावित होके जिन्हां ने विशेषक लिखिया। और सांख जो किसी हद तक एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति की विचार करता है, अहम ब्रह्मस्मि, इस तरह की विचारधारा के मनुख कपल तो बहुत ही प्रभावित होए। तो सतगुरुदेव जी महाराज इन्हां छे शास्त्रां की प्रथम गल करते हैं। आप कहते हैं छे घर। पहले वाक विच आखे बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए। मूल पंक्ति राहव दी पंक्ति ते पहला शब्द कीर्तन सोयले दा जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। इन्हां दो शब्दां विच घर दी गल चल रही है। घर ओ घर जिथे बैठ के मनुख करते पुरख की विचार करे, करते पुरख नू टोले, करते पुरख नू लभण की कोशिश करे। प्रथम वाक विच आपने ये कह दिता सतसंग घर है। जिथे बैठ के करते पुरख की कीर्ति आउंदी है, उहदी विचार आउंदी है, ये उसका घर है। उस घर विच जाके तू उहदी विचार कर, उहदी कीर्ति गायन कर। जिथे रोज रोज कीर्ति गायन होवे, रोज रोज विचार होवे, बस वो छोटा वड्डा ते महान तीर्थ बन जाता है। जितनी वड्डी विचार होवे, जितना ज्यादा कीर्तन होवे, वो उतना ही पावन वड्डा ते महान तीर्थ बन जाता है ते जगत दे मन नू उतना ही प्रेरणा देता है। सतगुरुदेव जी महाराज इत्थे कह रहे हैं धर्म ग्रंथ भी उसका घर ने। जिथे सतसंग घर है, वो जिथे करते पुरख की टोल की जा सकती है। उस तो बाद जो धर्म ग्रंथ ने वो भी घर ने। महाराज कहते ने पुराने घर वेखिए तो छे ने, छे घर छे शास्त्र ने, जिन्हां दे चों कपल दा रचिया होया सांख, गौतम दा रचिया होया न्याय, कणाद का रचया होया विशेषक, पतंजलि का रचया होया योग, जैमिनी का रचया होया सांख, और इस तरीके दे नाल वेदांत के रचनहार स्वामी व्यास जी। महाराज कहते हैं जिथे घर छे ने, गुरु भी छे ने, आचारिया भी छे ने। इन्हां छे ग्रंथां दे बनाण वाले छे गुरु ने, भाव छे आचारिया ने, लिखारी छे ने। फिर जिहड़ी मूल गल सतगुरु करदे ने ओए कि छे उपदेश, इन्हां दा उपदेश भी छे तरह का एक नहीं है। ये छे महापुरश परमात्मा प्रति छे तरह की विचार देंदे ने, एक विचार नहीं है।
हिंदू धर्म के जिहड़ियां अनेकां शाखां बन गईयां उन्हां अनेकां शाखां दा मूल कारण भी ये अनेकां शास्त्र ने। क्यों कि इन्हां दी विचार एक ने। तो जोगियां दे टोलियां दा जन्म होया, सन्यासियां दे टोलियां दा जन्म होया, बैरागी पैदा होए, ब्रह्मचारियों के टोलियां का जन्म होया, तार्किक लोग पैदा होए और एक दूजे का करीबन करीबन खंडन ही करते रहे। कारण इन्हां छेयां दा उपदेश एक नहीं। तो क्या यह दोष भरी गल है? कतई नहीं। जिस तरह नदियां वख वख रस्तियां तो समुंदर तक पहुंचदियां ने, मनुख की सुरत भी वख वख मार्ग तो परमात्मा तक पहुंची है। तो क्योंकि हर बंदे का स्वभाव वख वख है, इस वास्ते हर बंदे की देखण दृष्टि ते हर बंदे की खोज का ढंग भी वख वख होगा। एक ऐसा मनुख जो सिर्फ ध्यान साधना कर सकता है, कीर्तन उस वास्ते देवे नहीं है। जैसे पतंजलि नूं कोई कहे भी तू कीर्तन कर, उदी उस्तति कर, तू रतन कर, पतंजलि दा इस विच कोई विश्वास नहीं सी, पतंजलि दा इस विच कोई भरोसा नहीं सी। उन्हें योग शास्त्र विच प्राणायाम दीयां अनेकां विधियां लिखियां ने और वो यह कहता है कि जीव शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है, पावन हो सकता है, संस्कारां दी जिहड़ी मैल जमी है दूर हो सकती है। तो मैल जमी है फुरनिया नाल, ते फुरने चलते हैं श्वासा नाल, श्वासा नूं रोक दिओ, फुरने रुक जाणगे, सहजे सहजे जमी हुई जिहड़ी मैल है सारी खत्म हो जाएगी। कीर्तन करो, कथा करो, नाम जपो, इस तरह की विधि दे पतंजलि का कोई विश्वास नहीं। लेकिन मैं अर्ज करा, पतंजलि नू भी रब्बी रस मिलिया, उन्हों भी परम आनंद प्राप्त होया। कीर्तन दे कथा दे बहुता विश्वास सी ऋषि व्यास का, वो तो यही कहते सन भी उदी विचार करो, कीर्तन करो, कथा करो, नाम का रटन करो। पर व्यास नू भी रस मिले, आनंद मिले। ते गौतम इहदी विचारधारा बिल्कुल न्यारी। वो कहिंदे ने मैल जिहड़ी है कुछ भी नहीं, अग्ञान ही मैल है, होर तो कुछ भी मैल नहीं। मैल किस नूं कहिंदे ने? क्रोध नूं मैल कहिंदे ने, लोभ नूं मैल कहिंदे ने, काम नूं वो कतई नहीं मनदा। वो कहिंदा है मूल मैल अग्ञान है, अग्ञान नूं मिटा दो जीव पवित्र। सारी उसकी साधना है ज्ञान प्राप्त करो, अज्ञान मिट जाएगा। बाकी किसी साधन की तरफ उसने प्रेरिया नहीं, बाकी किसी साधन नाल उसने जो है जोड़िया नहीं। तो मैं इस तरह इन्हां महापुरुषों के खोज के ढंग वख वख सन, कारण कि हर मनुख का सुभाव वख वख है। तो जब सुभाव वख वख है, रुचियां वख वख ने, तो पसंद भी वख वख होगी। हो सकता है कोई मूल मंत्र ते गुरु मंत्र दे जाप दे ते ध्यान साधना दे बहुता विश्वास रखे ते छेती गल बन जाए। ते इस तरह के भी पुरुष बैठे ने जिन्हां नूं कीर्तन दे ही बड़ा रस आउंदा, बड़ा आनंद आउंदा, सरूर तारी हो जाता है। कीर्तन ना सुनन ते गल बनदी नहीं उन्हां वास्ते। पर इस तों उल्ट भी नहीं कुछ जो सिर्फ एको ही अखर का जाप करके आनंद माण लेंदे ने। सुभाव की गल है, गल इतनी है कि ध्यान कित्थे टिकदा है और किस विधि नाल टिकदा है, किस ढंग नाल टिकदा है। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बहुत वड्डी खुल दिली इत्थे। आप कहिंदे ने छे शास्त्र ने, छे उन्हां दे गुरु ने, पर उपदेश भी छे ने, उपदेश एक नहीं है। पर महाराज कहिंदे ने गुरु गुर एको, इन्हां छे गुरुआं दा गुरु एक परमात्मा है। इन्हां छेयां गुरुआं ने
छह शास्त्रां दी प्रेरणा उस एक गुरु तो लगी। ये ज्ञान कितों आया? परमात्मा तो। वेस अनेक भावें इन्हां दे रूप छेयां दे वख वख ने, छह शास्त्रां दे रूप वख वख, छह इन्हां जिहड़े आचारिया ने जैमिनी व्यास या पतंजलि दे रूप वख वख ने, पर महाराज कहिंदे ने इन्हां छेयां दा जो गुरु है वह एक है। समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे उस एक नू लभना ते एक नाल जुड़ना ये गुरमत का सिद्धांत है। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो शुरू होती है, अनेकता च नहीं पैना, एक दे च पैना। जिहड़ी गल तालमेल खांदी है उन्हूं आधार बना के आसरा बना के रब नाल जुड़न की कोशिश कर, परमात्मा नाल जुड़न की कोशिश कर। तेरे नाल केड़ी गल तालमेल खांदी है ये तू अपने सुभाव नूं परख ले। और इस सारी संसार की अनेकता का जो आधार है वो एक है। जैसे लहरां अनेक ने, सागर एक है, लहर छोटी है वड्डी है कोई बहुत वड्डी है, उपर उपर देखिए तो लहरां ही दिखाई देंदियां ने, लेकिन समूह लहरां का संबंध सागर नाल है। सागर एक है, लहरां अनेक ने, निरंकार एक है, संसार के रूप से अनेक ने। लहरां बनदियां ने मिटदियां ने, संसार का रंग रूप बनता है मिटदा है बनता है मिटदा, लेकिन फिर भी लहर सागर का हिस्सा है, सागर विचों उत्पन्न होइए। लहर नाल नफरत भी सागर नाल नफरत होगी, लहर नाल दुश्मनी भी सागर नाल दुश्मनी होगी, लहर का चंगे ना लगना भी किसी हद तक है सागर का चंगे ना लगना। इस वास्ते गुरु नानक ने जो बुनियादी गल कह दिती है कि समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे तू एक नू लभना है। आप कहने की होया छे गुरु ने, शास्त्र छे ने, इन्हां दे रचेता छे ने, उपदेश छे तरह के ने, पर इन्हां सारियां दा गुरु एक है। ये सारे उस एक तो प्रेरणा लै गए। कहिंदे ने रस जद भी किसी नूं आया, चाहे योग साधना नाल आया, ध्यान साधना नाल आया, कीर्तन करके आया, विचार करके आया, नाम जप के आया, रस दे च कोई अंतरा नहीं। अंदर दी जिहड़ी अनुभूति है उहदे च कोई अंतरा नहीं, लेकिन जब यात्रा शुरू कीती जांदी है ते वख वख थां तों शुरू कीती जांदी है, वह भिन्न भिन्न है, उत्थे अनेकता दिखाई देती है। और इस अनेकता नूं देखदे ही कुदरती गल है फिर मनुख का मन खिंडदा। महाराज कहिंदे इस अनेकता नूं ना वेख, इस अनेकता का जो आधार है वो एक है। सारी दी सारी जिहड़ी अनेकता है वो एक दे आसरे ते खड़ी है। छे गल छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय घर करते कीरत होए। जिस घर में करते पुरख की कीर्ति है हे बाबा, जिस घर में बाबा, बड़ा पावन पवित्र शब्द, किसी नूं बुजुर्ग कहना महान कहना पावन कहना पवित्र कहना है, तो अरबी भाषा का यह लफ्ज बाबा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब किसी नूं समझांदे भी ने तां बहुत प्यारे लफ्ज नाल, बाइज्जत लफ्ज नाल, हे बाबा जिस घर दे करते पुरख की कीर्ति है, जिस धर्म ग्रंथ दे जिस घर दे सो घर राख वड़ाई तोए, उस घर दे तू अपना हिरदा रख, उस घर दे तू अपने आप नूं रख, किसे दे च ही तेरी वड़ियाई, किसे दे च ही तेरी महिमा। संप्रदाय इंज भी अर्थ करते रहने और करते रहे, हे अकाल पुरख जिस घर में तेरी महिमा, जिस धर्म ग्रंथ में तेरी वड़ियाई है तेरी कीर्ति है, उस ग्रंथ नूं बचा, उस धार्मिक स्थान नूं बचा, ये भी एक तेरी वड़ियाई होवेगी। संप्रदाय इस ढंग नाल अर्थ करते रहने।
दो तीन चार अर्थ करने का मेरा सुभाव नहीं है, मैं सुभाव इतनी अर्थ कर देती है कि अनेक तरह के अर्थ ने जो जमीर नू अपील किए ने मैं थोड़े सामने रखता पाया। बाबा जय घर करते कीरत होए, हे बाबा हे आलम फाजल हे बंदे, जिस घर के करते पुरख की कीर्ति है, जिस धर्म ग्रंथ दे उसकी विचार है, उसकी कीर्ति है, उसका ज्ञान है, जिस घर दे कीर्ति गायन की जा रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, सो घर रात उस घर दे तू अपने आप नू रख, उत्थे तू अपना हिरदा रख, उस घर दे तू अपना मन रख, वड़ाई तोए इसे ची तेरी वड़ियाई, इसे ची तेरी महिमा, इसे ची तेरी महानता है, क्यों कि उस घर दे तेनू अपना असला दिस पवेगा। उस घर विच जैसे तू अपने आप नू रखेगा ते ओदे तेनू प्रभु दी झलक मिलेगी, अकाल पुरख दा रूप मिलेगा, ज्ञान प्रकाश मिलेगा, और इसे ची तेरी महिमा है, इसे विच ही तेरी जो है वड़ियाई है। बाकी मैं फिर लफ्ज दोहरा दें, आप अपनी बुद्ध है जेते वर्णत भिन्न भिन्न तोहे दे दे, लेकिन मेरी जमीर अज तक ऐसा भी नहीं कह सकी कि जिन्होंने अर्थ किए ने वक् वक् सारे गलत ने, कतई गलत नहीं ने। ना फरीद कोटियां का टीका गलत है, तो ना ही संप्रदाय, तो ना ही उदासी या निर्मले। कीर्तन सोहले के अर्थ भी इन्ह सारे महापुरुषों ने किए ने और कर रहे हैं और लिख रहे हैं। एक विचार जो मन मनदा मैं थोड़े सामने रखी है, लेकिन यही सही है, इस तरह का कोई दावा नहीं है, पता नहीं की सही है कि अकाल पुरख जाने, गुरु जाने, बाबा जय घर करते कीरत होए, हे सियाने हे आलम फाजल, जिस घर दे करते पुरख की कीर्ति हो रही है, जिस धर्म ग्रंथ दे, जिस अस्थान दे, तू अपने आप नू उत्थे रख, तू अपने हिरदे नू उत्थे रख, तू अपने मन नू उत्थे टिका, इसे दे तेरी महिमा, इसे दे ही तेरी वड़ियाई है। तू अनेकता दे किधरे ना फस जाई, एक शास्त्र कुछ कहिंदा है, दूजा शास्त्र कुछ कहिंदा है, एक मजहब कुछ कहिंदा है, दूजा मजहब कुछ कहिंदा है, नमाज पढ़ के भी लोकी रब नाल जुड़े ने, ते पूजा करके भी लोकी रब नाल जुड़े, तीर्थां दा रतन करके भी लोगों ने आनंद माणे, कीर्तन करके भी परमात्मा नाल जुड़े ने, योग साधना करके भी लोगों ने पवित्रता नू जाणे, ते प्राणायाम करके भी किसी ने आनंद माणे, केवल प्रार्थना अरदास करदियां भी कई अकाल पुरख नाल जुड़े ने, परमात्मा नाल जुड़े ने। तो वक् वक् साधना नाल जिहड़े जिहड़े महापुरुष जुड़े ने, बेसर महापुरुषों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच है। बाबे फरीद का अकाल पुरख दे नाल जुड़न का अपना ढंग है, कबीर दे जुड़न का अपना ढंग है, स्वामी रामानंद दे जुड़न का अपना ढंग है, ते भगत पीपा जी अपने ढंग नाल बंदगी करते ने, श्री नामदेव जी महाराज का अपना मार्ग है, त्रिलोचन ते सदने की अपनी गल है। सारियां दे मंत्र भी एक नहीं सन, वक् वक् मंत्रां दा जाप करते सन, वक् वक् इन्हां दी साधना, लेकिन सारे दे सारे विराजमान ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। तो गुरमत दा मूल संदेश उपदेश ऐ बंदे समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दे इक नू लभ, अनेकता ते रहेगी जगत दे, किस तरह तू मिटाएंगा। एक दा रंग दूजे नाल नहीं मिलता, सुभाव नहीं मिलता, भाषा नहीं मिलती, लेकिन एक भाषा ऐसी है जिन्हों परमात्मा समझता है, बाकी भाषावां नहीं। एक गल वखरी है कि ब्राह्मणा का दावा सी कि परिपूर्ण परमात्मा संस्कृत समझता है, क्योंकि संस्कृत देव बाणी है, देव भाषा है। तो मुसलमानों ने कितने पिछे रहना से, उन्होंने कह दिता अरबी जड़ी है कि खुदा दी बोली है, क्योंकि कुरान नाजल हुई है
तो चूंकि नाजल हुई है तो अरबी दे छोई है, खुदा अरबी समझदा, खुदा अरबी बोलदा। बोध भिक्षु किथे पिछे रहिंदे, उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध भगवान ने ते उन्होंने जो बोल बोले ने पाली विच बोले ने तो भगवान दी भाषा पाली है। जिथे जिथे बोध धर्म फैलिया उन्हां सारिया ने पाली भाषा नूं पढ़न दी ते सिखण दी पूरी कोशिश की थी, क्योंकि भगवान दी भाषा। गुरु नानक ने भी दसिया रब दी भाषा की है, बकायदा दसिया कि परमात्मा दी बोली की है, परमात्मा दी भाषा की है। तो इतनी गल तो स्पष्ट है कि भाषा तो बिना संबंध नहीं जुड़ता। इशारिया नाल कोई बहुत लंबी गल नहीं की जा सकती, इशारिया नाल कोई बहुत कुछ नहीं दसिया जा सकता, इशारिया नाल दूजे की गल कोई बहुती नहीं समझी जा सकती। एक दूजे के हिरदे नूं पढ़ना है तो भाषा चाहिए, भाषा का प्रयोग चाहिए। भाषा एक होवे, एक दूजे की भाषा समझी जाए ता ही गल बनेगी। तो परमात्मा साड़ी भाषा समझे तो असी परमात्मा की भाषा समझिए तो पहले गल ये होगी इसनों समझना है कि रब की भाषा की है, परमात्मा की भाषा की है, वो की बोलता है। महाराज कहते हैं साचा साहेब साच नाय पाख्या पाओ आपार। पाख्या पाख्या कहते हैं भाषा बोली। साचा साहेब वो मालिक सच्चा है, तो साहेब मालिक है सच्चा है, बाकी सब झूठे मालिक ने। अज मालिक ने कल का कोई पता नहीं, अज इस तन दे अपने आप नू मालिक कहिए तन कल नू खाक विच रुलदा है, ये मालिक असी नहीं रह जाते। जिस जमीन दे असी अज मालिक हाँ पहले पता नहीं कितने मालिक हो चुके हैं। जिस आसन हम बैठे केते बैठ गया, कितने बैठ गए। महाराज कहते हैं मालिक सच्चा है, उदी मलकीयत सच्ची है, उदा दावा भी सच्चा है, वह वाकई मालिक है। साचा साहेब साच नाय ते फिर उसकी वडियाई भी सच्ची है। पाख्या उदी बोली की है, उदी भाषा की है। साहेब कहते हैं पाख्या उसकी भाव है, प्यार है, वो सिर्फ प्यार नूं समझता। तू पंजाबी च बोल रहे हैं, इंग्लिश च बोल रहे हैं, हिंदी च बोल रहे हैं, संस्कृत च बोल रहे हैं, इसके नाल कोई मतलब नहीं। प्यार है हृदय च के नहीं, भाव है हृदय च के नहीं, वो भाव नूं समझदा। तू बहुत सारिया भाषा का पंडित होके भी रब तो टुटिया रह सकता अगर रब की भाषा नहीं जानता। तो परमात्मा की भाषा गुरु नानक ने दसी भाव, ये नहीं आखिया कि परमात्मा संस्कृत समझदा, पाली समझदा, अरबी समझदा या फारसी समझदा, पता ही नहीं। और जब भी दुनिया सियाणी होवेगी गुरु नानक देव जी महाराज के इस वचन नाल सहमत होना पाएगा कि रब की भाषा भाव है और कुछ नहीं। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी साफ कह दिता, साच कहो सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वेद पढ़ लेने प्रेम कोई नहीं रब नाल नहीं जुड़ सकेगा, रब दी ते भाषा ही प्यार है, वो ते प्यार दी भाषा समझदा, वो ते भाव नू समझदा है। कभी बगौर मुताला करना, संबंध भाव करके जुड़ते हैं। और बंदा जमांदरू भाव लेके आया, विचार लेके नहीं आया। बच्चे का जन्म है, जन्म के नाल उसके अंदर भाव भी है, प्यार है, मां नूं वेखदा है मुस्कुरा पैंदा, प्यो नूं वेखदा है खिड़ पैंदा। अज इसके अंदर विचार कोई नहीं, प्यो की है ते मां की होंदी है, मां की होंद की है, पिता की होंद की है, इस तरह की कोई विचार कोई नहीं, इस तरह की कोई सूझ समझ कोई नहीं। पर भाव है, भाव करके इसका संबंध जुड़िया हुआ। तो साहबां की बाणी का फैसला है, जिथे भाव करके बच्चे का संबंध मां नाल जुड़िया है, प्यो नाल जुड़िया है, मां की होंदी है, तो वास्तविक पिता की होंद की है,
इस तरह की उसनों कोई समझ नहीं है, लेकिन भाव करके संबंध जुड़े हुए हैं। रब की है, वास्तविक की है, बंदा तो विचार कर करके भी खप जाएगा, थक जाएगा, समझ नहीं आवेगी। हो सकता है मां की होंद तू समझ भी लवे, जवान बच्चा समझ जाता है, थोड़ा जहा वड्डा होंदे हाँ समझ जाता है, पिता की होंद नू तू समझ भी जावे, परमात्मा की होंद नू ते समझ ही नहीं सकेंगा। तू समर्थ वड़ा मेरी मत थोरी राम, वो असीम है ते तेरी सोचण शक्ति सीमा दे च है। तो जो सीमा दे च है वो असीम नू किस तरह समझेगा, असीम नू किस तरह पकड़ेगा। हाँ, जे किधरे तेरे अंदर भाव पैदा हो जाए संबंध जुड़ जाएगा। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रग राया। भाव बंदे नू भोला कर देंदा है, विचार बंदे नू चलाक कर देंदा है। कभी बवर मुताला करके वेखना, जितना मनुख विचारक हुंदा जाएगा चलाक हुंदा जाएगा, तो जितना भाव उसके अंदर वधेगा भोलापन वधेगा। भाव से भोलापन कट्ठा जुड़े होया है, विचार से चलाकियां कट्ठियां जुड़ी हुई हैं। भगत कबीर का तो जो है बकायदा फैसला, चतराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो से उलाइए। चतरा या सियाण पा आवे किते न काम, सह सियाण पा लख होए ता एक न चले लाम। बथेरियां सियाण पा कट्ठियां कर ले, बहुता आलम फाज बन जा, बहुती विचार कट्ठी कर ले, संबंध नहीं जुड़ेगा। इस वास्ते बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विचार किसी हद तक नास्तिक देखे ने, हैरानगी है। दुनिया में बहुत वड्डे वड्डे विचार इनकारी हो गए, कारण विचार में परमात्मा आया ही ना, वो करते गए विचार करते गए, तो आखिर नास्तिकता का जन्म हो गया। विचारक नास्तक हो ही जाएगा, कुदरती गल है। बहुती विचार बंदे नू नास्तक बना ही देगी अगर भाव नहीं है। गुरु घर दे से विचार प्रधान नहीं, भाव प्रधान है। इन्नी मैं अर्ज कर दें, सुनिए मनिए मन की ता भाव। जे भाव नहीं पैदा होया सुनिया व्यर्थ चला गया, जे भाव नहीं पैदा होया मनिया व्यर्थ चला गया, क्योंकि संबंध भाव नाल जुड़ना से, भाव नाल हिरदे ने शुद्ध होना से। विचारक विचारक नाल लड़ पैंदा, दार्शनिक दार्शनिक नाल लड़ पैंदा। अर्थ बोध देते हिंदुस्तान विच अनेक विचारक झगड़ दे मैं देखे, संबंध नहीं जुड़ता। लेकिन दो हिरदिया विच भाव होवे, प्रेम होवे, संबंध जुड़ जाता, बड़ा गूढ़ा रिश्ता जुड़ता। तो परमात्मा की तो बंदा जितनी भी विचार कर ले अधूरी है। तू सुन सही जरूर, तू मन, लेकिन जितने चिर तक भाव नहीं पैदा होया तेरा अंतिकरण शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। भाव की महानता है, भाव नाल उस परिपूर्ण परमात्मा नाल संबंध जुड़ता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, रब की बोली भाव है, पाख्या भाव अपार। बड़ी कीमती गल है, पाख्या भाषा, परमात्मा की भाषा प्यार है। तो मत्था टेकया है, इस मत्थे टेकण विच प्यार है कि नहीं? तो बाणी पढ़ी है, इस बाणी पढ़न विच प्यार है कि नहीं? तू कीर्तन कीता है, कीर्तन करन विच प्यार है कि नहीं? तू कीर्तन सुनया है, तेरे सुनन विच अंतरात्मिक प्यार है कि नहीं? रब प्यार दी बोली नू समझदा, ते सारे साधन इस वास्ते ने कि प्यार पैदा हो जाए, भाव पैदा हो जाए। महाराज कहिंदे ने उस परिपूर्ण परमात्मा दी बोली प्यार है, भाव है, ते भाव बंदे नू भोला कर देंदा है। भोले तो मुराद अंदरों बाहरों एक। हिंदुस्तान विच महादेव नू शिव जी नू लोकी भोला नाथ कहिंदे ने, भोला नाथ। इस महान योगी नू भोलानाथ करके पूजया जाता है, भोला शंकर, भोलानाथ। तो जब इतने वड्डे योगी दे नाल ये भोला शब्द जोड़िया गया, तो फिर पड़चोल करने ते दास मजबूर होया।
क्या वाकई भोलापन इतनी महान देन है, इतनी महान गल है कि इतने बड़े योगी नाल शब्द भोला जोड़िया गया। भोला, भोला नाथ, भोला, भोला शंकर। पंजाबी विच आम मुहावरा भोले का मतलब मूर्ख होता है, तू बड़ा भोला है, तेनू समझ नहीं, बड़ा भोला है। दरअसल गलत थान से प्रयोग किया जा रहा है यह शब्द भोला। भोले का मतलब अंदरों बाहरों एक मासूम पवित्र। दो ही भोले होंगे ने, या बच्चा या संत, बाकी कोई नहीं भोला। या तो बच्चा भोला है या फिर संत भोला है। बच्चा जो कह रहा है, जो कुछ मुंहों बोल रहा है, अंदर भी उससे यही कुछ है, अंदरों बाहरों एक है। तो संत भी अंदरों बाहरों एक है। तो बाबा फरीद कहते ने, जो अंदरों बाहरों एक नहीं होते कच्चा है, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे है। ये तो बिल्कुल कच्चे हैं। जबान कुछ होर कह रही है, दिल कुछ होर कह रहा है, कर्म कुछ होर कह रहे हैं, अंदरूनी विचार कुछ होर कह रही है, सोचनी कुछ होर कह रही है, करनी कुछ होर कह रही है। करनी से सोचनी का तालमेल ही नहीं है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, इत कच्चे ने, पक्के नहीं ने, मजबूत नहीं ने, पुख्ता नहीं ने। भोला जो पक गया अंदरों बाहरों एक है। महाराज से कहते ने, नानक कचड़े आंसों तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या। तोड़ कच्चे नाल ते कच्चे केड़े, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। जबान कुछ होर करिए, इरदा कुछ होर करिए, सिर झुक रहा है, मन नहीं झुकया। ये सिर का झुकना कच्चापन है। शीस निवाइए क्या थिए, जारिदे कुसुदे जाए, मन ते झुके भाव है नहीं, भोलापन नहीं है। तो भाव बंदे नू भोला कर देंदा है। ते जिस तरह बच्चा भोला है, मां बाप दे प्यार दा पात्र बन जाता है, भगत भोला है, परमात्मा की प्रसन्नता दा पात्र बन जाता है, अकाल पुरख की रहमत दा पात्र बन जाता है। इस वास्ते परमात्मा के निकट ने भोले, परमात्मा के निकट ने भगत। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज के विचार ये फरमान पे करते हैं, किधरे तू तार्किक ना बन जाई, किधरे वाद विवाद ना खड़ा कर देवी, कि छे शास्त्र ने ते उन्होंने आचारिया लेखक उच्चारण करने वाले छे ने, पर उन्होंने उपदेश भी छे तरह के ने, एक नहीं ने, ते विवाद दे च ना पै जाए, तू झगड़िया दे च ना पै जाए, और किधरे एक नू तू अपना लवे ते बाकी आनू गलत साबित करने की कोशिश करे, ऐ ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। सारी दुनिया की शक्ति इसे च नष्ट हो रही है। इस्लाम यहूदियों नू गलत साबित करने च नष्ट हो रहा है। यहूदी मुसलमानों नू गलत पै साबित करते हैं। शिया सुनिया नू गलत पै साबित करते हैं। सुन्नी शिया मुसलमान नू गलत साबित करने की पै कोशिश करते हैं। साल दे साल हिंदुस्तान दे भी शिया सुन्नी फसाद हो जाता है, हजारा मुसलमान मारे जाते हैं। हिंदुओं दे बैरागी सन्यासियों नू गलत साबित करते हैं, सन्यासी योगियों नू गलत साबित करते हैं, साधुओं दी साधुओं के जलूस नू शाही कहते हैं। तो उस जलूस दे बकायदा श्रोमणी कमेटी का भी कैंप लगता है, कुंभ दे मेले से प्रचारक पहुँचते हैं, तो निर्मलिया की भी शाही निकलती है, निर्मले साधुओं की। पर अलाहाबाद से हरिद्वार देख के मैं हैरान हो गया कि बहुत लंबी चौड़ी पुलिस का काफिला जलूस के नाल, तो बाद मैं पता चलिया साधु भी लड़ पेंदे भी साड़ी शाही अगे होनी चाहिए, बैरागी सन्यासियों तो पिछे नहीं होना चाहते, बैरागी सन्यासियों तो पिछे नहीं होना चाहते, योगी अपनी शाही अगे रखना चाहते ने, नंगे भी पिछे नहीं होना चाहते। और इस गल देते हजारों दफा इतनी वड्डी लड़ाई हुई है, बहुत वड्डा खून खराबा होया कि पुलिस ने मुदाखलत करनी पै रही, और बकायदा उस सारी तरतीब पहले तो दे के और दोवां दे फरलांग फरलांग का फासला रखा जाता है। एक शाही तुर गई है ना, हुण फरलांग का फासला हो दूजी तुरन देंगे,
नाल नेड़े नेड़े ने लड़ पैणगे, झगड़ पैणगे, सारे साधु ने, सारे संत ने। कारण की क्यों लड़ पैणगे? एक दूजे नूं गलत साबित करदा ते ठीक नहीं। सन्यासी कहिंदा बैरागी नहीं ठीक ने, बैरागी कहिंदा योगी नहीं ठीक ने। कि योगी कह दिंदे ने नांगे साधु, इत असभ्य ने, इत सभ्यता का भी मखौल पै उड़ांगे, ये नहीं चाहिए। वरस के एक दूजे नूं गलत साबित करने जो है लगे होया है। इस तरह का इको एक धर्म थानू जगत विच मिलेगा, जिसनों सिख धर्म गुरमत कहते हैं। सारिया नूं नाल लेके चलना ते सारिया दे नाल चलना, खंडन किसी का भी नहीं, मतभेद किसी नाल भी नहीं। ऐ फरीद तू भी कबूल है, तू भी पहुंचे है। नमाज पढ़ के भी बंदा पहुंच सकता है, पूजा करके भी बंदा पहुंच सकता है, राम का रटन करके भी बंदा पहुंच सकता है, अल्लाह का रटन करके भी बंदा पहुंच सकता है। इस तरह की समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे एक नू लभना, यह धर्म की आधारशिला मने है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कुछ रचना मैं थोड़े सामने रखा, गल स्पष्ट हो जाएगी। आम बंदिया थोड़ा जहा ऐसा ख्याल है कि समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे एक नू लभना यह गुरु नानक का नजरिया तो हो सकता है, गुरु गोबिंद सिंह का नहीं है। पर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चंद वाक मैं थोड़े सामने रखा, उन्हों का कितना वड्डा जोर है। आप फरमान करते हैं, कतहू सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतहू अचिंत होए के सोवत अचेत हो, कतहू भिखारी होए के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए के मांगो धन देत हो, कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो, कहूं बेदरीत कहूं तांसु विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रमाण करते हैं, हे प्रभु मैं देखदा किधरे कोई ते बहुत सुचेत है, सावधान है, ते हे प्रभु तू उस दे अंदर बैठा है सावधानी दे रूप। सावधान मनुख बोलन लग्या, खाण पीण लग्या, उठन बैठन लग्या, सौन लग्या, जागण लग्या, सुचेतपणा सावधानी उसके कोल है। सावधानी बहुत वड्डा गुण है। प्रभु की पुस्तक करो संत मीत, सावधान एकाग्र जी, सावधान होश दे, रब की उस्तति कर होश दे, बेहोशी च नहीं, पूरा अपने आप नूं सुचेत रख, सावधान रख। फुरने किधरे पैदा ते नहीं हो गए, मन किधरे चला ते नहीं गया, सावधान हो, सुचेत हो। इसे नूं भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने बाहोश बाज के हंगामे नौ बार आमद, होश दे आ, मनुखा जन्म दी तेरे उत्ते बहार आई है, होश दे आ, सावधान हो, सुचेत हो। प्रभु की उस्तते करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अंदर मैं किधरे देखना, हे प्रभु तू किसे दे अंदर सावधान होके बैठा है। कतहू सुचेत होके चेतना को जागर कियो, कतहू अचिंत होके सोवत अचेत हो, किधरे बिल्कुल अचेत निश्चिंत, कोई सावधानी नहीं, कोई होश नहीं। बेहोश सिर्फ पशु नहीं, अनेका मनुख भी बेहोश ने। पशु जिस औगुण से जिस निंद्रा विच रह रहे हैं, बहुते मनुख भी रह रहे हैं। कवि तुलसी का एक बड़ा कीमती दोहरा है, काम क्रोध और लोभ की जग बलग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। विद्वान पंडित आलम ते मूर्ख दोवें एक समान ने, अगर दोवें क्रोधी ने, दोवें लोभी ने, दोवें तृष्णालु ने, दोवें वितक्रिया देच ने, ते पंडताई दी पंडताई केड़े काम दी, ज्ञानी दा ज्ञान केड़े काम दा, पाठी दा पाठ केड़े काम दा। काम क्रोध और लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। फिर आप कहते हैं, निंद्रा आलस भोग भय ए पथ पुरख समान,
नर्म ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान सावधानी नहीं सुचेतपना नहीं होश नहीं। तो तुलसी कहने बेहोश बंदा ते पशु की तरह सुचेत नहीं सावधान नहीं उते पशु की तरह जी रहे। पर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दया से व्यापक से एक दृष्टि वेखो आप कहने हे प्रभु इस बेहोश बंदे दे अंदर मैं तेरा एक रूप वेख रहा बेहोशी का मैं होशमान मनुख दे अंदर तेरा एक रूप वेख रहा होश का कत हूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो कत हूं अचिंत होए के सोवत अचेत हो। दरअसल देखने का एक ढंग है। मैं एक संवाद पढ़ रहा सी कैशो चंद्र का जो बंगाल का प्रसिद्ध नास्तिक पुरुष होया उदा स्वामी रामकृष्ण नाल विवाद होया थोड़ा जि नास्तिक सी बड़े बड़े संतां महात्मा नूं हरांदा होया विचार दे सिद्ध यही करता कि कोई रब नहीं ते जद उसनूं पता चलिया बंगाली बहुते स्वामी रामकृष्ण नूं मनदे ने ते श्रद्धा रखते ने ते इसनूं मैं हरावां तां ही मेरी पूर्ण तौर पर जित हो सकती पहुंच गया स्वामी रामकृष्ण को आखन लगे थोड़े नाल चर्चा करनी और सरेआम करनी है क्या कबूल है थानू। ते स्वामी रामकृष्ण बिल्कुल अनपढ़ सन एक जमात भी नहीं पढ़े सन पढ़ाई लिखाई नाल उन्हां दा कोई मतलब नहीं पढ़े ही नहीं सन। आखन लगे करनी है तेरे नाल बहस करनी है चर्चा करनी है। रामकृष्ण दे श्रद्धालु जिहड़े सन उह भी दंग रह गए भी शास्त्र ते पढ़े लिखे नहीं ने ना इन्होंने वेद पढ़े ने ना इन्होंने उपनिषदा पढ़िया ने ना ये सिमरतियां का वाक जानते ने ते केशव चंद्र नाल बहस की करनगे क्योंकि उसने तमाम धर्म ग्रंथां नूं गलत साबित करना ते ये ते पढ़े लिखे ही नहीं। लेकिन स्वामी रामकृष्ण ने कबूल कर लिया तेरे नाल बहस करांगे चर्चा करांगे ते केशव चंद्र ने भी कह दिता सरे आम करांगे बहुत सारी पब्लिक हो गई फिर बहुत वड्डे इकट्ठ दे दोहां दी चर्चा चली। केशव चंद्र कहण लगे स्वामी रामकृष्ण नूं पहले तुसी सिद्ध करो रब है ते रामकृष्ण कहण लगे पहले तू सिद्ध कर नहीं है तो सिद्ध कर नहीं है। तो बड़िया दलीला बड़ी तीक्षण बुद्धि से केशव चंद्र कोल उन्हें गल इतों शुरू की थी भी तुसी कहिंदे हो परमात्मा दया का सागर है मामूली दया नहीं उहदे कोल दया इतनी है कि शायद सागर दे इतना पानी भी नहीं बख्शिंद है वेख के अंडित करन वाला है रहम दिल है। कहिंदा संसार विच इतने कोड़ी इतने अपंग इतने अंधे इतने लंगड़े इतने भुखे वेख के मन यकीन ही नहीं करता कि रब दयालु है बख्शिंद है दया का सागर है उते कोई कठोरता की मूर्ति होवेगा। जिन्हें रब दे गुण रब नाल जोड़े गए ने ना एक एक गुण का खंडन करी गया अपनी दलील अपनी विचार नाल और इतिहास ये नवा इतिहास थोड़े अरसा ही होया ये चर्चा से बहस हुई ये कहिंदा दो घंटे तक कैशो चंद्र बोलते रहे नहीं है परमात्मा एक एक गुण का खंडन करते रहे। ते बाद विच उन्होंने आख्या हुण मैं सिद्ध कर दिता नहीं है ते हुण स्वामी रामकृष्ण सिद्ध करन है। वो खड़े हुए ते उन्होंने केशव चंद्र नूं गलवकड़ी च लै लिया ते रोंदिया होया कहण लगे इतनी तीक्षण बुद्धि जो रब का भी खंडन कर सके रब तो बिना यह काम नहीं हो सकता परमात्मा तो बिना नहीं हो सकता इतनी तीक्षण बुद्धि इतना ज्ञान इतनी विचार इतनी दलील बार बार उन्होंने रचना तो निकलिया हे परमात्मा ये तेरे तो बिना नहीं हो सकता ये तैथों बिना नहीं हो सकता। और केशव चंद्र सच जान मैं भी थोड़ा जिहा नास्तिक सी स्वामी रामकृष्ण कहन लगे थोड़ा जिहा पूरी श्रद्धा मेरी भी नहीं थी पर तेरिया दलीलां सुन के विचारां नूं सुन के अज मेरी श्रद्धा बज गई कि इतनी दलील
इतने विचार इतनी बारीक बीनी परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती। मनुख की समर्था नहीं है, बंदे की समर्था नहीं है। केशव चंद्र ने उस स्टेज देते गल कबूल की थी कि बंदा तो मेरे को हार गया स्वामी राम कृष्ण, पर ये हार के भी मैं हरा गया, ये हार के भी जित प्राप्त कर गया। पर उन्हें गल कबूली कि मैनू जिंदगी दे च पहला कोई धार्मिक मनुख मिले जो मैथों हारे है लेकिन हार के भी जित गया। इहदे बोलां च जित है, इहदे हिरदे च जित है, इहनू मैं अपनी दलीलां नाल नहीं हरा सकया, ये अपनी थां ते खड़िया, मैं इहदे हिरदे नूं नहीं हिला सकया। इहदा विश्वास वधिया घटिया नहीं, इहदा भरोसा वधिया घटिया नहीं। मेरी दलीलों के उत्ते तर्क करना क्रोध करना तो एक पासे मैनू गलवकड़ी चला लिया, प्यार किया स्नेह किया। केशव चंद्र कहें अगर कोई धर्म नाम की गल है तो मैं भी पहली दफा एहसास करता पाया, वरना नहीं, वरना तर्क ही तर्क, ज्ञान ही ज्ञान, चर्चा ही चर्चा, विचार ही विचार। मैं देखी संबंध भाव नाल जुड़ते हैं, भाव हिरदे नू एक कर देता है, जिस दिन हिरदा एक होंदा है वो अनेकता दे एक नू वेखदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने हे अकाल पुरख होश दे ते बेहोशी दे मैं तेरी झलक वेखदा पिया, कतहूं भिखारी हो के मांगत फिरत वेख, कहूं महादान होए के मांगो धन दे तहो। हे अकाल पुरख मैं देखदा किधरे भिखारी दे तूं है, किधरे दाते दे तूं है, किधरे वेदा की रीत के मुताबिक चल रहे हैं, तो किधरे बिल्कुल उसको विपरीत उल्ट, बिल्कुल उल्ट, धर्म तो उल्ट, विद्या तो उल्ट, ज्ञान तो उल्ट। कहूं जस गंधर्व उरग कहूं विद्याधर, कहूं भय किनर पिशाच कहूं प्रेत हो। काहू होए के हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो, काहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज देवास हे प्रभु किधरे तू हिंदू है ते गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जाप किया करदा, किधरे तू मुस्लिम है मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देना, तू ही दे रहे हैं, तू ही गुप्त होके मंत्र पढ़ रहे। काहू होए के हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो, काहू होए के तुरका पुकारे बांग दे तो। कहूं को बुकाब होए पुराण को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान ले तो। ये अकाल पुरख में देखता पिया किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है, किधरे तू कुरान दा हाफिज है, किधरे तू कुरान दी गल बात दलील करदा है, किधरे तू पुराणा दे गल ज्ञान दी गल करदा है। कहूं बेबरीत कहूं तांसुं विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत। ये अनंत सवैये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने बई तू ही है, तू ही है, किधरे तू पुराण का हाफिज है, किधरे तू कुरान का ज्ञाता है, किधरे तू तुरक होके बांग देंदा पे है, किधरे तू हिंदू होके गायत्री के मंत्रा का जाप पिया करदा है। इन्हों सारे सवैया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उपदेश करी जाते हैं, समूह ब्रह्मंड की अनेकता एक लभण की कोशिश कर। कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत दे तो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन ले तो। कतहूं विचार अविचार को विचारत हो, कहूं निजनार पर नार के निकेत हो। कहूं बेदरीत कहूं तांसुं विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। जोगी झगड़ते सन नांगिया नाल, नांगे झगड़ते सन सन्यासियों नाल। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने कहूं जटाधारी कहूं कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूं जोग साधी कहूं साधना करत हो। किधरे तू जटाधारी जोगी है, किधरे तू ब्रह्मचारी है, तो किधरे तू जैनी साधु है। पैर ही बड़े जो है ध्यान नाल टिकांदा पिया। कहूं जटाधारी कहूं कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूं जोग साधी कहूं साधना करत हो। कहूं कान फारे कहूं डंडी होए पधारे,
कहूं फूक फूक पावन को पृथ्वी पै धरत हो, जैनी साधु बड़े सावधानी नाल पैर रखते ने जमीन पे, पहले वेख लेंदे ने कोई कीड़ी ते नहीं, मकोड़ा ते नहीं। एक मील का पेंडा भी जैनी साधु ने तय करना हो कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते, बड़ा आस्था चलेगा, वेख के चलेगा, इतने ध्यान नाल चलेगा। एक कीड़ी मर गई, उन्हें घंटा 2 घंटा पश्चाताप करना है, भई ये भुल हो गई, मैं बड़ा अनर्थ हो गया। जैनी साधु किसी असवारी का भी इस्तेमाल नहीं करता, वो कहने के नाल भी हिंसा हो जाती है। जैनी साधु मूंह के उत्ते भी पट्टी बन लेंदे ने, भई हवा के भी कुछ जीव ने, वो किधरे मूंह दे जाके ना मरे। पानी छाण के पीते ने और हाथ के एक चौर रखते ने, जमीन साफ करते ने पहले, फिर उस थान के उत्ते जो है बैठते ने। इतनी परहेजदारी, लेकिन जैनिया का अक्सर मतभेद रहा बोधिया नाल, बोधिया का अक्सर जो है मतभेद रहा सनातनी नाल, सनातनी अक्सर जो है झगड़ते रहते हैं आपस के वक् वक् फिरकियां दे नाल, टोलियां दे नाल। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की यह दृष्टि, कहूं जटाधारी कहूं कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूं योग साधी कहूं साधना करत हो, कहूं कान फारे कहूं डंडी होए पधारे, कहूं फूक फूक पावन को पृथ्वी पै धरत हो, कतहूं सिपाही होके साधत सिलाहन को, कहूं छत्री होए के अर मारत मरत हो, कहूं भूम भार को उतारत हो, महाराज कहूं पाव पूतन की पावना बरत हो। किधरे तू सिपाही है, सूरमा है, किधरे तू महाबुजदिल है, किधरे जगत दे फसया होया ते किधरे बिल्कुल निर्लेप है, अपंग है, निर्लेप है, एक पासे है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मूल ए दृष्टि कि समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे एक नू वेखना। साहब कहते हैं मत किधरे अनेकता के चक्कर पै जाए, भी सांख कुछ होर कह रहा है, वेदांत कुछ होर कह रहा है, मीमांसा कुछ होर कह रहा है, योग कुछ होर कह रहा है, न्याय शास्त्र कुछ होर कह रहा है, विशेषक कुछ होर कह रहा है, तो शायद ये रब के सिद्धांतिक नुक्ते वक् वक् ने। साहब कहते नहीं, सिद्धांत एको है, गुर गुर एको वेस अनेक, इन्हां छे गुरुआ का गुरु एक है, सिद्धांत एक है, परमात्मा नाल जुड़ना है, ईश्वर नाल जुड़ना है, सिद्धांतिक गल एक है। महाराज कहते वेस अनेक ने, ते वेस दे चक्करां च ना पै, रूप एक है, सता जिहड़ी है एक है। इस गल नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र वाक दे अखीरलियां पंक्तियां दे इस ढंग नाल जो है दोहराउंदे ने, विसुए चसियां, विसी अक्सर कई पढ़ते ने, सस्से दे थले औंकड़ है विसु है, विसुए चसियां घड़ियां भैरां थिथी वारी मां होवा, पुराणी समय की गिणती नूं करन दा ढंग, अख दी पलक थले तो उपर जाए जितनी देर विच जांदे ने जांदी, इसनूं विसा कहिंदे ने, इक विसा, ते 15 विषयां दा इक चसा बनदा है, 30 चसयां दा इक पल बनदा है, 60 पल दी इक घड़ी बनदी है, ते 7.5 घड़ियां दा इक पैर मनदे ने। इस तरीके दे नाल इह गिणती, 8 पैरां दा दिन रात, और हुण ये 8 पैर और ये अनंत घड़ियां पल विसुए ये चसियां, इन्हां सारियां दी उत्पत्ति कित्थों है? ये अनंत तरह के समय रुत ते थित, 6 रुत्तां ने, 7 वार ने, ते 15 थित्तां ने, अनेकता ते बहुत वड्डी है। पर इस समूह अनेकता का जन्मदाता कौन? सूरज। सूरज खत्म, ते विश्वे भी खत्म हो गए, चसियां भी खत्म हो गए। समय की गिणती किस तरह करोगे? समय की गिणती ते सूरज करके, विश्वे चसियां घड़ियां फैरां थिथी वारी मां होवा। गिणती मैं फिर कर दिया, अख दी पलक थले तो लैके जितनी देर विच उपर उठती है एक विसा,
15 विषयां दा एक चशा, 30 चशयां दा एक पल, 60 पलां दी एक घड़ी, 7.5 घड़ियां दा एक पैर, 8 पैरां दा दिन रात, 30 दिनां दा एक महीना, 15 चित्तां ने, 6 रुत्तां ने, 7 वार ने। विश्वे चशियां घड़ियां फैरां तिथि वारी मां हुआ सूरज एको रुत अनेक। रुत्तां ते अनेक ने, थित्तां अनेक ने, वार अनेक ने, घड़ियां अनेक ने, दिन अनेक ने, पर सूरज ते एक है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते विस। पंक्ति इतनी है, सूरज एको रुत अनेक, इतनी पंक्ति है। एक सूरज है, उसदे ए अनेका रूप ने, क्योंकि सूरज करके समय की पहचान है। सूरज ना निकले समय का बोध हासिल करना बड़ा औखा हो जाएगा। महीने ने, दिन ने, वार ने, रुत्तां ने, थित्तां ने, और ये घड़ियां पैर विसिए चसिए, तमाम का जन्म एक सूरज करके। साहिबां का फरमान, सूरज एको रुत अनेक, अनेका रुत्तां ते थित्तां का जन्म जिमें एक सूरज करके है। नानक करते के केते वेस, ए अनेक वेश एक करते पुरख दे, ब्रह्मांड दे अनेक वेश, अनंत रूप, जिस दे कुछ रूप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी द्वारा मैं थोड़े सामने रखे। साहब कहने, नानक करते के केते वेश, उस करते पुरख दे अनेक वेश ने, अनंत वेश ने, और किसी भी एक वेश का खंडन करना, उस परिपूर्ण परमात्मा के वेश का खंडन करना, एक नाल जुड़िया होया मनुख कहने खंडन बंडन तो उच्चा हो जाता है। खंडन तोड़ना, यह उसकी सुभा चो निकल जाता है। जब भी कोई शीया सुन्नी का खंडन करे, तो सुन्नी शीए का खंडन करे, दोवें खंडन मनुख ने टुटे हुए ने। खंडन का मतलब टुटे हुए। यहूदी इस्लाम का खंडन करे, तो इस्लाम यहूदिया का, जिड़े भी करन दोवें खंडन, दोवें टुकड़े टुकड़े ने, दोवे ने एक नू नहीं जाने, दोवां दा आपस दे जिहड़ा विवाद है, यह दिसदा पे है कि प्रभु नाल कोई संबंध नहीं। तो हिंदुस्तान विच संत संत भी आपस विच लड़दे ने, साधु भी लड़दे ने, वख वख संप्रदावां दे। काश गुरु नानक दी इह गल समझदे जावे, नानक करते के केते वे, जे सागर तक नदियां पहुंचदियां ने, एक रस्ते तो नहीं पहुंचदियां, परमात्मा तक भी लोकी पहुंचे ने, अनेक रस्तियां तो पहुंचे ने। कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसाइयां, कोई अला, कोई अल्लाह अल्लाह करके पहुंचे है, कोई गुसाई गुसाई करके पहुंचे है, कोई राम राम करके पहुंचे है, कोई गोरख गोरख करके पहुंचे है, अनेक उसके नाम ने। बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है, ते नाम जपण दे वक वक सिद्धांत ने, वक वक ढंग ने, वक वक जो है तौर तरीके ने। पर साहिब कहिंदे ने, सारे वखेवें विच, इस सारी अनेकता विच मूल आधार जिहड़ा है वह एक है। बाबा जय घर करते कीरत होए, हे सियाणे मनुख जिस घर विच करते पुरख की कीर्ति होवे। जिथे परमात्मा की विचार चल रही होवे, परमात्मा तो मुराद उस एक की विचार चल रही है। संसार ते अनेकता, संसार की विचार नहीं, एक की विचार चल रही है। जिथे एक का कीर्तन हो रहा होवे, जिथे उथे जिथे एक की गल हो रही होवे, एक की चर्चा हो रही होवे, सो घर राख है वडाई तोए, उस घर दे तू अपने आप नू रख ले जिथे उस एक की गल हो रही है, उस एक का कीर्तन हो रहा है, उस एक की विचार हो रही है। जिमें तू उस घर में अपने आप नू रखेगा, अपने मन नू टिकावेगा, बस इसे विच तेरी महिमा है, तेरी वड्याई है, तेरी निजात है, तेरा पार उतारा है, तेरा खुलासा है इस बंधन तो, जो जन्म ते मरण के बंधन दे, अनंत जन्मां तो श्रृंखला जो चली है, इस तो तेरी बंद खलासी है। तो ये 8 पंक्तियां का गालबन ये शब्द है, जिस विच साहिब कहिंदे ने कि रूप उस परिपूर्ण परमात्मा दे अनेक वेश अनेक ने, पर अनेकता का आधार एक है। 6 शास्त्रां नूं सामने रख के सतगुर ने यह दलील दी, कारण कि धार्मिक तौर पर भी जिहड़ी अनेकता है, महाराज कहिंदे इसका भी मूल आधार एक है।
ये गल वक्री है। कोई रब की बाहों की उस्तति करता है, कोई उसके चरणों की, कोई उसके मुखड़े की, कोई उसके अखा की, कोई उसकी रचना की। भाव एक एक पहलू नू लेके किसी ने गीत गाए ने, शायद कहने गीतों का आधार एक है, उस्तति का जो आधार एक है। तो जिस घर में भी उस एक की गल चल रही हो, उस एक का कीर्तन हो रहा हो, दुबदा की गल नहीं। जिथे खंडन मंडन है वह संसार की गल है, निरंकार की गल नहीं। वो कोई राजनीतिक अखाड़ा होगा, वो धार्मिक अखाड़ा नहीं है। मैं तो घूम फिर के बाहर देशों में देखिए, हैरानगी आती है कि सिख जगत की अद्धी ताकत लग जाती है गुरुद्वारा बनाने दे, ते अद्धी ताकत लग जाती आपस में झगड़न दे। रब नाल जुड़न जोगी शक्ति नहीं रहती, परमात्मा नाल जुड़न जोगी ताकत ही नहीं बचती। परमात्मा का रस माणिया जा सके समय नहीं बचता, शक्ति नहीं बचती, ताकत नहीं बचती। तो साहब कहते जिस घर में उसकी कीर्ति हो रही है, उसका जस हो रहा है, उसकी वडियाइया की विचार हो रही है, उस घर में तू अपने हिरदे नू रख, उस घर में तू अपना मन टिका। इसे तेरी वडियाई है, इसे तेरी महिमा है। बाकी परमात्मा के अनेक रूप ने, धार्मिक ग्रंथ अनेक ने, अनेक तरह के उपदेश ने, लेकिन मूल रूप से गल जी है वह एक है, सता जी है वह एक है। जो अर्थ से विचार दास की समझ से पकड़ते चाहे मैं थोड़े सामने रखे ने। फिर आखिरी पंक्तियां दोहरा दें, विश्वे चसियां घड़ियां पैरां थिथी वारी माँ हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। उस करते पुरख दे सतगुरु देव जी महाराज कहते हैं अनेक वेश ने, अनेक वेश, वेश के नाल जुड़न की कोशिश ना कर। जिसने ये वेश धारण किए हुए ने वो एक है, वो एक है। बाकी चोले उसके अनेक ने, वेश उसके अनेक ने, वस्त्र उसके अनेक ने, पर इस समूह अनेकता का जो आधार है वो एक है। उस नाल जुड़ और उस एक की गल जिथे हो रही होवे उत्थे तू अपने मन नू टिका, अपने मन नू जोड़। फुलां चुकां दी खिमा साहिब गुरु नानक देव जी महाराज बख्शा करन कि एक दा सिद्धांतिक आधार ते प्यार साडे अंतर आत्मिक वसे, ताकि समूह ब्रह्मंड की अनेकता विच एक सानू दिखाई देवे। एक मुलक दा बंदा दूजे मुलक दे बंदे नू पसंद नहीं करता, एक कौम दा मनुख दूजी कौम वाले नू पसंद नहीं करता, एक भाषा बोलण वाला विपरीत भाषा बोलण वाले नू पसंद नहीं करता। जगत विच बड़ी भारी अनेकता, इस वास्ते दुश्मनी वधदी जा रही है, वधदी जा रही है। इहदी भाषा नहीं मिलती, इहदी नसल मेरे नाल नहीं मिलती, इहदा रूप नहीं मिलता, इहदा मुल्क मेरे नाल नहीं मेल खांदा, इहदे सिद्धांत मेरे नाल मेल नहीं खांदे। तो साहिब कहिंदे तू आधार नहीं, तेरे नाल सब कुछ मेल खावे तू आधार नहीं। परमात्मा आधार, ईश्वर आधार है। तू अपने आप नू केंद्र क्यों मनना है कि सब कुछ तेरे नाल मेल खावे, कि सब कुछ का मेल परमात्मा दे नाल है। अगर ये दृष्टि सारे संसार की बन जाए तो खिमा करनी सारे वितकरे ते लड़ाई झगड़े अज ही खत्म। फिर ये दृष्टि बन जाएगी सदे सांझी वाल सदायन, तू किसे न दिसे बाहरा जी। तू तो सारिया व्यापक सतगुर इस तरह की दृष्टि साड़ी बना। बोल चुकी खिमा, अगले शब्द के विचार कल आप जी के सामने रखांगे। गज वज के फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।